भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। ब्रेकिंग न्यूज़। 21 फरवरी 2021 बरस इतवार को रॉयल पार्क खड़का भुसावल में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की जानिब से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें औरंगाबाद के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर माचिस साहब आने वाले थे। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 वबा ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया और हुकूमत ने 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। इस नई सिचुएशन को देखते हुए मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की कमेटी ने मशवरा किया और यह फैसला किया है कि फ़िलहाल वो 21 फरवरी 2021 बरोज इतवार को होने वाले हॉस्पिटल के संगे बुनियाद के प्रोग्राम को पोस्टपोन यानी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे इंशाल्लाह इसी तरह बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होगा। देखिए क्या कहा मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने। बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए सदाम हुसैन खटिक की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप जानते हैं कि 21 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार को डॉक्टर माजिद औरंगाबाद इनके हाथों भुसावल में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन यानी MNF इसके ज़रिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में आने जा रहा था। उस दिन संगे बुनियाद था, लेकिन अभी गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरी रियासत महाराष्ट्र में और हमारे ज़िले में भी कोरोना वबा का फिर से फैलाव हो रहा है और इस सिलसिले में बहुत सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गई, जिसमें एक अहम बात यह है कि शादी और मैयत के अलावा किसी भी तरह की गैदरिंग 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। लिहाजा हम लोग जो है इस नतीजे पर पहुँचे हैं, मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की कमेटी ने मशवरा किया और हमने डॉक्टर माजी साहब से भी बात की। हमने ये फैसला किया है कि लोगों की सेहत को किसी तरह का कोई ख़तरा ना पैदा हो, इसलिए हम बड़े पैमाने पे तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग उस रोज़ आने वाले थे 21 फरवरी के प्रोग्राम में, लेकिन अब हम इसको जो है फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे हम इसी आबोताब के साथ एक शानदार प्रोग्राम रखेंगे जिसमें तमाम लोगों को जमा किया जाएगा और ये प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह हमारे शहर में एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, जिसका हमने आज़म किया है, आपके ताउन से इंशाल्लाह ये ज़रूर क़ायम किया जाएगा। फ़िलहाल अगरचे संगे बुनियाद का प्रोग्राम रुका है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए ताउन आपकी जानिब से हमें दरकार है। हमारे वॉलेंटियर्स इंशाल्लाह फर्दन डोर टू डोर जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आप तमाम लोग इसके लिए अपने दामे दर में सुखने हर एतबार से जो है अपने शहर में लोगों की सहूलत के लिए बनने वाले मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हॉस्पिटल के लिए ज़रूर ताउन करें और हमारे वॉलेंटियर्स को जो है बिल्कुल जो है आपका सपोर्ट चाहिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 21 फरवरी बरोज़ इतवार के दिन जो मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की तरफ से जो डॉक्टर माजिद साहब के हाथों हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखे जाने वाला था, उसको हमने पोस्टपोन किया है और उसको आगे बढ़ा दिया है, लेकिन हमारा अज़्म कायम है और इसके अंदर आप लोग ताउन करें, हमारा साथ दें और दुआ करें कि हम जल्दी जल्दी इसमें कामयाब हों।